अभी कुछ दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी एंड शी सेड कि सर मुझे बहुत ज्यादा एंगजाइटी हो रही है घबराहट हो रही है मतलब बस पेपर आ गया यूपी का एंड व्हाट डू आई डू तो आई सेड मैंने कहा अभी तो चलिए हम सात दिन की स्ट्रैटेजी बताएंगे इस वीडियो में बट मेरी उससे बात हुई मैंने कहा दस दिन रह गए ऐसा क्या है जो तुमने पिछले साल डेढ़ साल में नहीं किया जो तुम अभी दस दिन के स्लान में कर सकते हो तो शी सेठ में पढ़ सकती हूँ मैंने कहा साल भर नहीं पढ़ा पढ़ा था मैंने कहा क्वेश्चन लगाए थे साल भर हां लगाए थे चलो पिछले तीन महीने में तुमने ऐसा क्या क्या नहीं किया है जो अभी कर सकते हो बोले रिविजन मैंने कहा रिवाइज नहीं किया था बिल्कुल किया था फिर वॉट इज इट दैट यू कैन डू इन दी से टू टेन डेज तो मैंने कहा काम करो सबसे पहले तो इतना सर पे लोड लेना बंद करो क्या करूं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आते हैं ताकि और भी जितनी भी क्वेरीज है एग्जाइटी हो रही है घबराहट हो रही है सात दिन बचे हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके अराउंड एक छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे तो यूपी का पेपर अभी तारीख वाला लास्ट डेज की आपकी क्या स्ट्रैटी होनी चाहिए जानेंगे आज के इस वीडियो में सो so, इन सात दिनों को मैंने तीन हिस्सों में बांटा है पहले तीन दिन अगले तीन दिन और एक दिन बचा है ठीक है तो ये हो गए अपने सात दिन अब इन आ, पार्ट्स में इन हिस्सों में आपको किस तरीके से अपना काम करना है उसके अराउंड हमारे वीडियो है पहले तीन दिन की बात करते हैं दैट इज डे वन डे टू डे थ्री राइट इसमें आपको क्या करना है ये सुनो ऑब्वियस बात है आपने पढ़ाई पूरी की है इस चीज को लेकर के मन में विश्वास रखिए प्लीज बिलीव मी वेर आई से अपने मन में विश्वास नहीं होगा खुद पर डाउट करोगे तो वहां पर डाउट में जितनी गलतियां करते हैं बच्चे उतनी लैक ऑफ नॉलेज में नहीं करते आई हैव सीन आई हैव विटनेस आई हैव हर्ड स्टोरीज फ्रॉम द स्टूडेंट्स कह रहे सर मैंने पहले सही मार्क किया था फिर मुझे लगा कि शायद गलत होगा तो फिर मैंने दूसरा मार्क कर दिया और वो गलत हो गया ये जो डाउट है इस डाउट की वजह से इतनी गलतियां होती हैं यू माइट थिंक यू आर दी ओनली वन अरे मैंने ये कर दिया बट देर स्टूडेंट्स जो यही गलतियां कर रहे हैं क्यों क्योंकि ऐसा नहीं होने नॉलेज कम है नॉलेज तो सही था सही मार्क किया उन्होंने लेकिन उस नॉलेज के ऊपर उन्हें डाउट था तो सबसे पहले अपने मन में विश्वास लाइए कि मैंने पढ़ लिया है आई हैव स्टडीड एंटायरली जो भी सिलेबस था आई हैव कवर्ड इट एट एट लीस्ट लीस्ट वंस वंस ज्यादातर ने तो ज्यादा बार ही किया होगा बट कम से कम एक बार तो हम कर ही चुके हैं अब इन सात दिनों में एकदम नया टॉपिक हम कोई सा भी नहीं पढ़ने वाले हैं ठीक है तो ये सात दिन हमारे किस पर फोकस रहेंगे तो देखो पहले जो तीन दिन है इसमें मेरा पहला सजेशन होगा कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो उनकी संख्या बढ़ा दो राइट सो लेट से अभी तक आप दिन के तीन सौ सवाल लगा रहे थे अब आप दिन के पांच सौ सवाल लगाए सिर्फ तीन दिन की बात कर रहा हूं मैं राइट right? उतने आपको क्वेश्चन लगाने अब इन सवालों में जहां गलती हो रही है सिर्फ जो मिस्टेक वाला पार्ट है जिन जगहों पर गलती हो रही है उन टॉपिक्स को एक बार री रीड कर लो बोलो सर ये तो हम कर चुके पता है पर ये एक ऐसी चीज है जिसको आप अगर दस बार भी करते हो तो भी हर बार कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपको स्ट्रेंथन ही करेगा नुकसान नहीं करेगा राइट यू शुड बी सो कॉन्फिडेंट इन योर नॉलेज कि जब आप क्वेश्चन देखो और उसमें आंसर गलत मार्क है तो आप खुद पर डाउट ना करो आप बोलो इसमें आंसर गलत मार्क है क्यों क्योंकि मेरा नॉलेज इस पर इतना स्ट्रांग है कि मैं पता लगा सकता हूं पता लगा सकती हूं कि इसमें आंसर सही दिया है और यहां पर आंसर गलत दिया है ठीक है दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव टू इंस्टिल इन योर सेल्फ रिमाइंड योर सेल्फ टाइम एंड अगेन कि भैया आता है ठीक है ऐसा नहीं अंधे अंधेरे में तीर नहीं मार रहे आता है तो सबसे पहली चीज लगाए जाने वाले सवालों की संख्या बढ़ानी है जहां मिस्टेक हो रही है अच्छा मिस्टेक सिर्फ सवालों में नहीं होती मार्क माय वर्ड्स मिस्टेक सवालों में नहीं होती मिस्टेक होती है टॉपिक्स में राइट अब देखो अभी इन जिन सवालों की भी हम बात कर रहे हैं हाँ पर, यहां पर लेट अस ब्रिंग इट यहां जब गलती हुई तो आपको पहली चीज क्या देखनी है कि ये गलती किस टाइप की है अपनी मिस्टेक्स को जब तक एनालाइज नहीं करोगे प्रिलिम्स में नंबर खोते रहोगे ठीक है तो मिस्टेक जब हुई तो मिस्टेक किस तरीके की है पहले ये देखो मिस्टेक क्या इस चीज में है कि मुझे रिमेंबर करने में इशू है मैं सेक्शन नंबर याद नहीं रख सका या फिर मुझे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है या फिर मैंने जल्दबाजी में यानी कि

उस टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है बहुत बढ़िया सही समय पर पकड़ में आ गया इस कॉन्सेप्ट को हम डेप्थ में पढ़ लेंगे क्योंकि अब हमें वो पूरा नहीं पढ़ना राइट हमें वो पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना हमें सारी चीजें नहीं पढ़नी हमें केवल वो कॉन्सेप्ट डेप्थ में पढ़ना है उतना सा हिस्सा जो हमें अभी मोमेंट ऑफ वीकनेस में लेकर के आ रहा है राइट ये हमने कर दिया नेग्लिजेंस की बात है तो इसके लिए फिर हमने और कॉशियस प्रैक्टिस कॉशियस प्रैक्टिस हमने शुरू कर दी ध्यान से सवाल को पढ़ना और सवालों पर इस चीज का इंप्लीमेंटेशन करना कि हम प्रॉपरली ध्यान से सारी चीजें कर पा रहे हैं राइट याद करने में इश्यू है तो अभी भी वी हाँ फाइव टू सेवन डेज राइट फाइव टू सेवन बोल रहा हूं थ्री टू फाइव डेज लेफ्टीन दिन में हमें समझ आ जाएगा रटने के लिए कितने दिन काफी होते हैं कोई भी व्यक्ति जो आपसे कहे ना साल भर रटा है कुछ नहीं होता साल भर रटने से जुडिशरी का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसको जितनी बार आप रिवाइज कर रहे हो आप अपडेटेड हो द मोमेंट आपका रिविजन छूटा आप बैक टू तो स्क्वायर वन आ गए हो सकता है आपका बहुत अच्छा कमांड हो किसी सब्जेक्ट में आपने उसको दस बार पढ़ लिया और फिर आपने अगर उसको दो तीन महीने हाथ नहीं लगाया आप भूल जाओगे बिलीव मी हर पंद्रह बीस दिन के अंदर उस सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहो अब ये रिमेंबर यानी कि वो गिने चुने एरियाज़ हैं जिन्हें आपको रटना पड़ता है उन एरियाज़ को रटने के लिए सबसे बढ़िया टाइम है पहले तीन दिन इसी में अगर आप निकालोगे एक्स ऑल सब्जेक्ट्स सारे सब्जेक्ट्स के लिए पहले तीन दिन सिर्फ ये सब करोगे तीन दिन कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा ठीक समझ गए आपने सवाल लगाए सवाल पे मिस्टेक हुई मिस्टेक को एनालाइज किया उसके हिसाब से कोर्स ऑफ एक्शन उठाया बहुत सारे सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट्स पर फोकस किया इंक्लूसिव ऑफ जीके जीएस, राइट करंट अफेयर वगैरह इंक्लूसिव ये अपने पहले तीन दिन हो गए अब ये तीन दिन तो निकल गए वॉट अबाउट द नेक्स्ट थ्री डेज द नेक्स्ट थ्री डेज आर टू बी स्पेंट इन रैपिड रिविजन इन रैपिड रिविजन रैपिड रिविजन का मतलब ये नहीं है कि मतलब जुडिशरी गोल्ड का चैनल खोल लिया और उस पर सिर्फ रैपिड रिविजन खोल करके बैठ गया नहीं रैपिड रिविजन का मतलब है अपना खुद का जो आपने नोट्स बनाए होंगे रेडी रेकनर्स बनाए होंगे आपके पास बैराक तो होंगी ही यस yes, उसके इंडेक्स से खुद रिवाइज करो रैपिडली रैपिड रिविजन का मतलब सिर्फ जेजी की सीरीज नहीं है इट इज टू रिवाइज रैपिडली योर एम शुड बी कि इन द नेक्स्ट थ्री डेज हर सब्जेक्ट को आपने मिनिमम तीन से चार बार रिवाइज कर लिया हो तो आप समझ गए मैं कितने रैपिडली रिवाइज करने की बात कर रहा हूं राइट माइनर एक्ट है दो घंटे के अंदर पढ़ के निपटाया इतना रैपिडली मेजर एक्ट है मुश्किल से छह घंटे लगे रिवाइज करने में इतना रैपिडली हम सिर्फ उसको रीड कर रहे हैं रीड करने में जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको याद कर रहे हैं मेंटली रिकलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ यह करना है आपने नोटिस किया यहां मैं सवाल लगाने को नहीं बोल रहा राइट नाउ रैपिड रिविजन अलोन वोट कट इट इन नेक्स्ट तीन डेज तीन दिन में करंट अफेयर्स को गो थ्रू कर लो करंट अफेयर्स को गो थ्रू कर लो करंट अफेयर्स भी कैसे गो थ्रू करना है ये भी समझ लो इसको दो हिस्से में बांटो थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द एग्जामिनेशन जो तीन महीने थे उनको बहुत डिटेल में पढ़ लो जो उसके पहले के तीन महीने थे उसको सुपरफिशियली पढ़ लो सुपरफिशियली पढ़ लो मतलब बहुत इंपैक्टफुल कोई चीज हुई है उसको आ, ध्यान से देख लो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की कोई चीज हुई है उसको पढ़ लो राइट जी ट्वेंटी समिट वगैरह हुए वो सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ लो और उससे पहले जितने भी कोई बड़ा अपॉइंटमेंट हो गया कोई बहुत बड़ी घटना हो गई उन सबको आप सुपरफिशियली पढ़ लो बस ये छह महीने का करंट अफेयर्स एक बार गो थ्रू तीन महीने राइट इट वुड नॉट टेक मच कोई भी किताब आप तो मैं कह रहा हूं जेजी इन उठाओ जेजी इन साइट उठा करके पढ़ डालो पूरी राइट आपके आ, अगर आप जेजी के स्टूडेंट हो तो अगर आप जेजी के स्टूडेंट नहीं हो जुडिशरी गोल्ड के स्टूडेंट नहीं हो तो भी आपको मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जो कि सिक्स मंथली कंपेंडियम निकालती है आपके करंट अफेयर्स का परचेज दैट इतनी सी किताब होगी पढ़ के खत्म कर दो उसमें भी आपको समझ आ जाएगा कौन सी ऐसी न्यूज है जो कि बहुत रेलिवेंट है और कौन सी ऐसी है जो बस हाँ, जो बस बस हुई राइट ऐसे ही बस हो गई ना उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है जो इंपॉर्टेंट है केवल वो देखना है तो अगले तीन दिन पहले तीन दिन हमने क्या किया हमने बहुत सारे सवाल लगाए और अपनी गलतियों को सुधारा अगले तीन दिन हमने सारे सब्जेक्ट्स को बहुत बार रिवाइज किया और हमने करंट अफेयर्स पर ध्यान दिया यस दिस इज सिक्स डेज खत्म बचता है हमारा आखिरी का एक दिन जस्ट वन डे टू गो वन डे टू गो उस एक दिन में आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो आपकी डेस्टिनी पलट दे. पर ऐसा कुछ कर सकते हो जो आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाने के काम आए कीप योर हेड काम देखो एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप रिवाइज करने बैठते हो अगर आप बुक खोलते हो बैराक खोलते हो नोट्स खोलते हो और अगर आपको एक ऐसी चीज दिख गई जस्ट वन थिंग यू सॉ जो आपने शायद ध्यान से नहीं पढ़ी हो या एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिख गया जो आपको कंफ्यूज कर जाए उस मोमेंट में आपका पूरा कॉन्फिडेंस शार्टर करने के लिए वो एक सवाल वो एक कॉन्सेप्ट वो एक टॉपिक काफी है एग्जाम के एक दिन पहले कॉन्फिडेंस अगर शार्टर हुआ है एग्जाम पे उसका असर दिखाई देगा

टूल किट मैनेज करनी है मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जो जो लेकर के जाना है एक जगह उठा करके रख लो यकीन मानो बहुत छोटी सी चीज है लेकिन एग्जाम के दिन सुबह उठ करके जब आप देखते हो ना घबराहट होती है हड़बड़ाहट होती है उसमें बहुत सर दर्द होता है राइट डोंट डू दैट एक दिन पहले से टूल किट जमा लिए भाई एडमिट कार्ड लेके जाना है ये है पेन लेकर के जाना है ये है, है, ये है. सारी चीजें जो जो आपको लेकर के आईडी लेकर के जाना है ये पानी की बॉटल ये सारी चीज उठा करके एक जगह रख ली पॉइंट नंबर टू ट एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पार ऑफ मेडिटेशन बैठो शांति से बहुत देर नहीं बोल रहा दस पंद्रह मिनट शांति से बैठो ध्यान लगाओ सोचो मैनिफेस्ट करो रिफ्लेक्ट करो चीजों पर राइट जो भी वट एवर मोड ऑफ मेडिटेशन अपील्स टू यू फॉर दैट मैटर राइट इट कुड बी बींग इन द प्रेजेंट मोमेंट इट कुट बी ब्रेथ वर्क इट कुट भी एनीथिंग जो आपको रिलैक्स करने में मदद करे एंड दर इज वन थिंग दैट आई ऑलवेज ऑलवेज डू बिफोर एनी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंस इन माय लाइफ दैट इज आई वॉच ए मूवी दैट इज मी इट्स नॉट समथिंग जो आपको शायद काम दे बट अगर देता है तो वॉच ए मूवी मूवी शुड बी वेरी लाइट राइट

कुछ भी इफ इफ दैट इज वॉट अपील्स टू यू इट हेल्प यू रिलैक्स इट हेल्प मी रिलैक्स एंड इफ लिसन टू म्यूजिक एनी ब्रिंग्स योर माइंड टू ब्रिंग योर माइंड टू ईज एंड द मोमेंट दैट अ गेम चेंजर गाइज ट्रस्ट मी से दिस सो ये सात दिन जो रह गए इस सात दिन में मैं इस वीडियो में आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा लेकिन इन सात दिनों में आपको क्या करना है ये मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दिया होगा एंड इफ इफ यू यू फॉलो फॉलो दिस दिस रूटीन बिलीव मी आपको खुद एहसास होगा बाय द एंड ऑफ द सेवेंथ डे एग्जाम के एक दिन पहले यस आई एम प्रिपेयर और खुद को ये बोलते रहिए से दिस टू योर सेल्फ दैट यू आर प्रिपेयर एंड यू विल बी एबल टू एज एग्जामिनेशन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट